प्राची ने अपने पति अंकुर को फोन लगाया। अंकुर ने फोन रिसीव किया तो कहने लगा, ट्रेन समय से चल रही है, कल सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, यहाँ तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर तक पति से बातें करने के बाद उसने फोन रख दिया। फिर उसने गौरी को आवाज लगाते हुए कहा, गौरी जरा यहाँ तो आना। गौरी जब उसके कमरे में आई तो उसने कहा, देखो गौरी, अब से तुम दोपहर में भी खाना बनाने के लिए आ जाना। वो क्या है ना कि कल मेरी सास गांव से आने वाली है, अब वह भी हमारे साथ ही रहने वाली है, अब उन्हें खाना एकदम गर्मा गर्म चाहिए होता है, इसलिए तुम एक बार दोपहर में भी आ जाना, मैं तुम्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी। प्राची अपने खाना बनाने वाली को समझाते हुए बोली। तो गौरी कहने लगी, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं समय से आकर खाना बना दिया करूंगी। प्राची कहने लगी, मम्मी जी को ज्यादा तीखा और तेल मसाले वाला खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, तो तुम उनके खाने में हल्का तेल मसाला ही रखना और उन्हें जो भी खाने की इच्छा हो वह उन्हें बनाकर खिला दिया करना। वैसे तो मैंने फ्रिज में उनकी पसंद की सब्जियां लाकर रख ली है, तुम उनसे पूछ कर ही खाना बनाना। गौरी कहने लगी, जी दीदी मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई हूँ। प्राची उसे समझा कर अपने ऑफिस का कुछ काम निपटाने लगी और गौरी शाम के खाने की तैयारी करने लगी। प्राची और उसका पति अंकुर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, लेकिन दोनों के घर वापस आने का समय अलग अलग होता था, क्योंकि कभी कभी अंकुर को ज्यादा काम रहता था तो वह ऑफिस में रुक जाता था और कभी प्राची व्यस्त रहती थी तो वह ऑफिस में रुक जाती थी। उन दोनों का 14 वर्षीय बेटा था अनमोल, जिसकी परवरिश वो दोनों बड़े ही प्यार से कर रहे थे। समय की कमी होने के बावजूद वो दोनों उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय निकाल ही लेते थे, जिसके कारण उन तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। छुट्टी वाले दिन तीनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। पहले प्राची के साथ सुमित्रा जी अपने पति के साथ गांव में ही रहा करती थी, लेकिन कुछ सालों पहले ही उसके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया, तब से सुमित्रा जी गांव में अकेली रहती थी, उन्हें शहर में रहना अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन अब अंकुर अपनी माँ को गांव में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि आए दिन सुमित्रा जी की तबीयत खराब होती रहती थी और अंकुर बार बार छुट्टी लेकर गांव नहीं जा पाता था, इसलिए इस बार वह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शहर लेकर आ रहा था। प्राची भी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ रहते हुए उसे भी सास की तबीयत के बारे में चिंता लगी रहती थी। अनमोल भी खुश था कि अब उसकी दादी साथ ही रहने वाली है। सुमित्रा जी जब घर आई तो बड़े गौर से उन्होंने घर को निहारा। वो पहली बार इस घर में आई थी, इससे पहले प्राची और अंकुर एक किराए के घर में रहते थे और 2 साल पहले ही उन्होंने यह घर लोन लेकर खरीदा था। अब दिल्ली जैसे महंगे शहर में अपना खुद का घर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अंकुर और प्राची ने सब कुछ सोच समझ कर यह बड़ा घर खरीदा था, ताकि भविष्य में जब सुमित्रा जी यहाँ पर आकर रहना चाहें तो उन्हें कमरे की दिक्कत ना हो। घर में 3 कमरे थे, एक कमरा प्राची और अंकुर का था, दूसरा अनमोल का था और तीसरा कमरा उन्होंने सुमित्रा जी के लिए रखा हुआ था। आज वो कमरा भी जीवंत हो उठा था, क्योंकि सुमित्रा जी उस कमरे में रहने के लिए आ गई थी। प्राची, अंकुर और अनमोल तो बहुत खुश थे, लेकिन सुमित्रा जी हर चीज में कमी निकालने की कोशिश कर रही थी। अब प्राची अपनी सास के स्वभाव को अच्छे से जानती थी, इसलिए वह इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी और उनकी इन सब बातों को नजरअंदाज करती जा रही थी। प्राची ने अपनी सास के साथ समय बिताने के लिए 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी, उसके बाद वह ऑफिस जाने लगी। प्राची ने सोसाइटी के कुछ बुजुर्ग औरतों से सुमित्रा जी की जान पहचान करवा दी थी, जिसके कारण सुमित्रा जी का दिन बहुत ही आराम से कट जाता था। सुमित्रा जी को उस घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी आदत थी हर एक चीज में कमी निकालने की, तो वह जब भी बहू के सामने जाती थी तो कुछ न कुछ कमी निकालती रहती थी या कोई न कोई शिकायत करती रहती थी। अब प्राची ऑफिस से आने के बाद इतना थकी हुई होती थी कि उसके पास सास से बहस करने की जरा भी ताकत नहीं बचती थी, इसलिए वह अपनी सास के तानों और शिकायतों को हंसकर टाल दिया करती थी। इस बात से भी सुमित्रा जी को परेशानी हो जाती थी कि वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है और हल्के में ही उनकी बातों को टाल दे रही है। एक दिन प्राची को ऑफिस से आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, क्योंकि अगले दिन ऑडिट थी तो उसे रिपोर्ट तैयार करनी थी। अंकुर तो उस दिन और भी ज्यादा देर तक ऑफिस में रुकने वाला था। प्राची जब घर आई तो रात के 9 बजने वाले थे। घर में घुसते ही उसने देखा कि गौरी खाना बनाकर चली गई थी और अनमोल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और अपनी सास और अनमोल को आवाज लगाते हुए बोली, अनमोल मम्मी जी आइए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, अनमोल भी उनकी बगल में बैठ गया। प्राची ने जल्दी जल्दी उन दोनों को खाना परोसकर दे दिया। दोनों खाना खाने लगे, तब तक प्राची ने अंकुर को फोन लगाकर पूछा, तुम्हें आने में कितनी देर हो जाएगी? अंकुर बोला, लगभग 2 घंटे और लग जाएंगे। फोन पर बातें करने के बाद जब वह वापस डाइनिंग टेबल के पास आई तो उसने देखा कि अनमोल खाना खाकर अपने कमरे में जा चुका था और सुमित्रा जी खाना खा ही रही थी।
प्राची ने मनुहार करते हुए कहा, मम्मी जी आपको और कुछ दूं क्या? सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, जो भी चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी, सब कुछ यहीं पर तो रखा है। देखो बहू, बना बनाया खाना परोस कर तुम आदर्श बहू नहीं बन सकती। तुम्हें क्या लगता है कि गौरी का बनाया हुआ खाना परोस कर तुम कोई बहुत बड़ा काम कर रही हो? सुबह सवेरे तो चेहरे पर मेकअप पोत कर फैशनेबल कपड़े पहनकर पर्स लटका कर घर से बाहर चली जाती हो। ना तो तुम्हें झाड़ू पोछा करना है, ना खाना बनाना है, घर के एक काम को भी तुम हाथ नहीं लगाती हो, और ऊपर से घर आकर ऐसा दिखावा करती हो जैसे तुम बिल्कुल परफेक्ट बहू हो। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। आज उससे रहा नहीं गया, क्योंकि ऐसा ताना सुनकर प्राची को बहुत तकलीफ हुई। फिर सारे दिन की थकान और कमर दर्द से परेशान प्राची ने सास की बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी वैसे मुझे आदर्श बहू बनने का कोई शौक भी नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ वो अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, कोई आदर्श बहू का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पर रहकर खाना बनाने वाली बहू ही आदर्श बहू होती है, तो मैं एक काम करती हूँ, आपकी खुशी के लिए मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, घर पर बैठ जाती हूँ, बाई हटा देती हूँ, खाना बनाने वाली हटा देती हूँ, सारा काम अपने हाथों से करती हूँ। मैं कल से झाड़ू पोछा करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और दिन भर आपके आगे पीछे घूमती रहूंगी, तब शायद आपको खुशी मिल जाएगी। लेकिन मेरी कमाई से इस घर के लिए लिए गए लोन की किस्त भरी जाती है, अनमोल के स्कूल की फीस भरी जाती है, उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? आजकल की महंगाई के समय में अगर दोनों पति पत्नी मिलकर काम ना करें तो फिर सुख सुविधाओं की कमी होगी, और अगर ज्यादा सुविधाएं चाहिए तो दोनों को काम करना ही पड़ेगा। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी पति पत्नी दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। वैसे एक बात बताइए, मैं खाना नहीं बनाती हूँ, लेकिन गाँव से आने के बाद आपको अपनी सुख सुविधा में किसी चीज की कमी महसूस हुई है, जो आप बार बार मेरे काम को लेकर मुझे सुनाती रहती हैं? मैं इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सुनती आ रही हूँ, लेकिन जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं यह बेकार के ताने क्यों सुनूं? अब आप फैसला कर लीजिए कि मैं नौकरी करूं या नौकरी छोड़कर घर पर बैठकर आपके लिए खाना बनाऊं, और आपका जो भी फैसला आएगा उसके बाद मुझे ऐसे ताने नहीं सुनने हैं। इतना बोलकर वह सुमित्रा जी को आवाक सी छोड़कर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी के गले में कौर अटकने लगा। उन्होंने जल्दी से पानी पीकर खुद को संयत किया। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनकी चुपचाप रहने वाली बहू कभी पलटकर जवाब भी दे सकती है। वह तो सोचती थी कि वह चाहे कुछ भी बोले, बहू चुपचाप सिर झुकाकर चलती रहेगी, इसलिए वह उसे कुछ भी सुनाती रहती थी। लेकिन आज उन्हें समझ में आ गया था कि बहू भी मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, और लिहाज के कारण ही आज तक वह चुप थी। इसलिए उस दिन के बाद से सुमित्रा जी ने अपनी बहू को ताने देने बंद कर दिए। प्राची भी समझ गई थी कि जब तक कोई चुपचाप सिर झुकाकर लोगों की गलत बातों को सुनता रहता है तो उसे उतना ही दबाया जाता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए सही शब्दों में इंसान को खुद ही आवाज उठानी पड़ती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केवल खाना बनाने से ही एक बहू आदर्श बहू बन सकती है? अगर वह खाना नहीं बना रही है और उसके अलावा बहुत सारी और जिम्मेदारियों का भार उठा रही है, तो क्या उसके कार्यों की सराहना नहीं होनी चाहिए? वैसे तो बहुत से घरों में खाना बनाने वाली बहू को भी कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे में क्या प्राची ने अपनी सास को जवाब देकर सही किया था या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।